मैं आप लोगों के माध्यम से कुछ एक जरूरी टूरिज्म से संबंधित बातों को उजागर करना चाहता हूं, जो कि बहुत सालों से अंडर कंसिडरेशन है सरकार के और जिस पर मुझे लगता है कि विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अभी हाल ही के बजट सेशन में कुछ एक अनाउंसमेंट्स हुई हैं, लेकिन उन अनाउंसमेंट में हम देख रहे हैं कि जो हमारी पुरानी यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने की बातें थी उनको नहीं लाया गया है और जो बहुत ही जरूरी है। हम चाहते हैं कि सरकार उन पर दोबारा गौर करे और उनको अमल में लाने की कोशिश अवश्य होनी चाहिए, ताकि मनाली का ही नहीं पूरे जिले कुल्लू का टूरिज्म, बल्कि टूरिज्म एज ए होल हिमाचल प्रदेश को पंख लगे। 2013 में हमने एक दो प्रपोजल सरकार के सामने रखी थी, जिनमें एक था कोठी माठीवन जो रोड पहले फॉरेस्ट का रोड था उसको रीओपन करने के लिए हमने गुजारिश की थी कि इस रोड को पांडु के रोपे तक एक्सटेंड किया जाए, ताकि हमको एक नया डेस्टिनेशन भृगु एरिया का मिले, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। भृगु ऋषि के नाम से वहाँ लेक है और बहुत सुंदर लेक है, बहुत सुंदर एरिया है और लोग वहाँ जहाज में भी जाते हैं, हेलीकॉप्टर में भी दर्शन के लिए जाते हैं। हम चाह रहे थे कि इसकी फिजिबिलिटी जो है वो रोड से कनेक्टेड हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उस वक्त के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अनाउंस भी किया था विंटर कार्निवल के दौरान में और इसकी अप्रूवल भी दी है इन प्रिंसिपल, और ये 2013 से लेके आज तक इशू जो है वो फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी के बीच में लटका हुआ है। अगर हम फॉरेस्ट वालों को कांटेक्ट करते हैं तो बोलते हैं हमने इसको डिटेल्ड एस्टीमेट के लिए पीडब्ल्यूडी के पास भेजा है, और पीडब्ल्यूडी को अगर हम कांटेक्ट करते हैं तो बोलते हैं क्योंकि फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो रोड बनाएंगे, और फॉरेस्ट वालों के पास शायद में इसका नोहाउ नहीं है। अभी हमने सुनने में आया है कि इस रोड को सिर्फ माठीवन तक ही सरकार ने इसकी अप्रूवल दी है, लेकिन माठीवन तक रोड को रीओपन करने से टूरिज्म का में कोई इजाफा ज्यादा नहीं होने वाला है, और खास करके हम चाहते हैं कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो लोकल आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, टूरिज्म के इस जो भी ये डेस्टिनेशन निकलते हैं इनसे उनको फायदा हो। अगर ये सिर्फ माठीवन तक ही रोड निकालना है तो इसमें हाँ ठीक है, सुना जाता कि एक भृगु के लिए माठीवन से रोप वे लग रहा है, उस कंपनी को फायदा अवश्य होगा, लेकिन बाकी जो कॉमन आदमी हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के गांव वाले हैं, उनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हमारी एक गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसको दोबारा कंसीडर करें और इस रोड को जो पहले इन प्रिंसिपल अप्रूव किया गया है अप टू पांडु के रूपए तक एक्सटेंड करने का, वहां तक एक्सटेंड करें तो इस जो एक नया डेस्टिनेशन हमको मिलेगा।